तो दिल्ली में चुनाव आ चुके हैं हम भी, और आ चुका है वैलेंटाइन वीक। और खास बात यह है, इस बार के जो इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे उसी दिन है प्रपोज डे, और प्रपोज डे में देखते हैं नौजवान युवक कहाँ जाते हैं, किसका पल्ला भारी होता है, कौन किसकी तरफ झुकता है, कौन किसको झुकाता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं बीजेपी की रैली जा रही है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नव युवक से उसकी राय क्या है। आइए जानने की कोशिश करते हैं नव युवक से, ये बीजेपी की पार्टी के लग रहे हैं। अरे रुकिए भाई साहब, रुकिए। हाँ तो नाम क्या है आपका? चांद सिंह। हाँ तो आनंद सिंह जी, ये भाई चांद सिंह यार क्या सुनते हो यार? अच्छा कट्टर समर्थक लग रहे हो बीजेपी के, क्या बात नहीं, है यार, ऐसी कोई बात नहीं, 500 रुपए दिहाड़ी मिल रही है, 500 दिहाड़ी में काम कर रहे हैं हम, ठीक है। 300 में हम मराते, 500 मिल रहे, कोई दिक्कत है आपको? नहीं नहीं, पेट्रोल फ्री में मिल रहा है, घूमने का आपको कोई दिक्कत है? हाँ कमाई का अच्छा जरिया है। अभी 2 घंटे और करेंगे फिर जाएंगे केजरीवाल के, 400-500 वहाँ पे भी कमा। चलिए चलिए अच्छी बात है। तो इस बार वोट किसको दोगे? किसको क्या दें यार, वोटर आईडी नहीं बनी है हमारी यार। अरे बाई चांस बन जाए तो किसको दोगे? ऐसे कैसे बन जाएगी, 2 महीने से मेरी मम्मी लगी हुई है वोटर आईडी बनाने में, तुम बनाओगे क्या? पर देखियो इसे एक बार, चल छूते आयो तो, इनकी बातों में कहाँ आ रहा है तू? तो देखा आपने, ये नाराज होकर चले गए। खैर कोई बात नहीं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं और लोगों से इस आने वाले चुनाव में वो किसको वोट देंगे। आइए पूछते हैं और लोगों से। क्या बात है, कोई नजर नहीं आ रहा। अरे उधर कुछ हलचल हुई है मैंने देखा, क्या पता कुछ हो, क्या पता अपनी गुमशुदा शोभा मिल जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं उधर क्या। अरे ये नशेड़ी दल, आइए जानने की कोशिश करते हैं इनकी क्या राय है। भाई साहब ला क्यों रहा है भाई साहब, हम मीडिया वाले, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। इस बार वोट किसको देंगे? हम उसे देंगे जो हमें देगा। क्या आपको क्या सुरक्षा देगा आपको? अब हमें कोई सुरक्षा देगा? हम दुनिया को सुरक्षा देते हैं, हम को लोकर में रख के चलने वाले बंदे। अरे वो बात तो ठीक है, मतलब आप इस बार वोट मोदी को देंगे? अरे मोदी ने अलग नाक में दम कर रखा है, घर घर मोदी, मोदी देवे, मोदी लेवे, मोदी क्या लेवे में क्या लगा। अच्छा तो मतलब केजरीवाल को देंगे? अरे केजरीवाल ने अलग सर में दर्द कर रखा है, अच्छे बीते 5 साल लगे रहो के बाल क्या लगे रहे, बिजली पानी लसन फ्री करवा दे, उसको गाते रहते हैं बस बता। अरे नहीं भाई साहब, आप नशे में लग रहे हैं मुझे। नशे में? अबे नशे में कौन है बे, मैं किसे बोल रहा है, मैं साले तोड़ दूंगा माइक वाइक के कैसेट पैसेट तोड़ दूंगा, निकल यहाँ से निकल। अरे नहीं, अरे ये बस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अरे ये गलत जुबान प्रयोग कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते कहीं और। पूरे देश में भूचाल मचा पड़ा है, हर तरफ तना तनी है, लेकिन कोई अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं है। ये एक वृद्ध आदमी बैठे हैं, इंग्लिश का अखबार पढ़ रहे हैं, देखते हैं ज्यादा ज्ञानी लगते हैं। चचा, ओ चचा, ओ भोसड़ी वाले चचा, ये कुछ सुन नहीं रहे, इनका कुछ इलाज करना पड़ेगा। अब बोलेंगे oh, no. चचा तो चाचा जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में चुनाव आ गए हैं। कहाँ आ गए, दिख तो नहीं रहे। चाचा मेरा मतलब है चुनाव की तिथि नजदीक आ गई है, तो इस बार आप वोट किसको देंगे? मैंने आपको जवाब दे दिया। अरे नहीं चाचा, अभी मैंने सवाल पूछा है, इस बार आप वोट किसको देंगे? मैंने आपको जवाब दे दिया। अरे नहीं चाचा, चुनाव आ गए हैं, इस बार आपका मतलब कहने का मतलब किस पार्टी का आप समर्थक हैं? मैंने आपको जवाब दे दिया। अरे नहीं चाचा, अभी तो हमने सवाल पूछा है। चाचा हम पूछ रहे हैं मोदी को वोट देंगे, केजरीवाल को वोट देंगे, किसको वोट देंगे? मैंने आपको जवाब दे दिया। अरे नहीं चाचा, आप लगता है मोदी के समर्थक हैं? मैंने आपको जवाब दे दिया है। अच्छा तो केजरीवाल को वोट देना चाहते हैं चाचा? मैंने आपको जवाब दे दिया है। तो जैसा कि आपने देखा कि चाचा के ऊपर कोरोना वायरस का असर हो रहा है धीरे धीरे। चलिए खैर कोई बात नहीं चाचा, आप ये अपना अखबार पढ़िए, इसमें सब कुछ तो खत्म हो गया है, लेकिन ये जापानी तेल और ये बचपन की गलतियां पढ़ी है, पढ़ लीजिए थोड़ा काम आएगा। तो खैर कोई बात नहीं चाचा, हमसे नाराज है, जवाब देना नहीं चाहते। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा, चचा की तो कोरोना वायरस की वजह से नस दब गई थी, ये एक बंदे खड़े हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनसे इनकी क्या राय है दिल्ली में जो चुनाव आने वाले हैं। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कासिम अली। अच्छा तो भाई साहब आप मुसलमान हैं? नहीं मैं कट्टर हिंदू। अबे साले, वो भाई साहब तमीज से कैमरा लगा है। सॉरी वो गुस्से में मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। जाहिर सी बात है मेरा नाम मोहम्मद कासिम अली है, तो मैं मुसलमान ही हूँगा, पंजाबी तो हूँगा नहीं। अरे खैर कोई बात नहीं, भाई साहब आप ये बताइए, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, तो इस बार आप वोट किसको देंगे? देखो हम दिल्ली वासी हैं, तो केजरीवाल को ही देंगे, झाड़ू पे हमें ही दे दो खाट पे। अरे मेरा मतलब है कि मोदी जी ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार आई और वो जीते तो 5-5 लाख रुपए हर बंदे के अकाउंट में आएंगे। देखो जो केजरीवाल है दिल्ली में छोटा छोटा काम कर रहे हैं, वो जो मोदी है वो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं भारत में, NCR के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो मैं तो मोदी के साइड हूँ, मोदी को ही वोट दूंगा। लेकिन केजरीवाल जी ने कहा है अगर उनकी सरकार आई तो वो हर बंदे के एक मकान देंगे और उसके साथ 2-2 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे, इस पे क्या कहना है आपका? देखो मैं तो पहले ही बोल रहा था केजरीवाल अपना है, केजरीवाल को ही मैं वोट दूंगा चाहे कुछ हो जाए। अब हम यहाँ पर दल बदलू आदमी है, दोगले इंसान है, चलिए उनसे क्या बात करना, आइए किसी और से जानने की कोशिश करते, कोई ढंग का बंदा नहीं मिल रहा है। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा, कोई ढंग का बंदा मिल नहीं रहा जो हमारे साधारण से सवाल का साधारण जवाब दे। ये दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं इनसे इनकी क्या राय है। भाई साहब क्या वो चुनाव की बातें हो रही हैं?
नहीं पैक की बात हो रही है, तू कौन? भाई साहब हम कैमरामैन और ये हमारे कैमरामैन है, हम संवाददाता है, हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन में आप इस बार वोट किसको देंगे? अबे तू वही न्यूज रिपोर्टर है जो तीन चार दिन से परेशान हो रहा है? भाई साहब हम ये देखिए, हम है ये हमारे कैमरामैन भाई साहब, कैमरामैन देख रहे ना कैसा फेमस हो गए हम, मुर्गा बन मुर्गा बन भाई साहब देखिए क्या। तो जैसा कि आपने देखा माहौल गर्म है और लोग भी काफी गर्म हैं, ये माइक का भी घट्टा गोल कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, हमारी आपसे विनम्र निवेदन है कि इस बार के इलेक्शन में आप वोट देने जरूर जाए, घर पे कोई बंदा ना बैठे। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, सावधान रहे, सतर्क रहे। अबे क्राइम पेट्रोल थोड़ी है। खैर कोई बात नहीं, कहने का मतलब ये है कि वोट देने जरूर जाए। जय हिंद जय भारत।